हेलो एवरीवन, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट करेंगे। ये 2010 नवंबर की वर्कशीट है, सोशल साइंस की है, क्लास 7 की। तो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो यू हैव नोटिस्ड, आपने देखा दैट जो पीपल है स्टैंड करते हैं इलेक्शंस के लिए अलग अलग नेम ऑफ पार्टीज से। दीज MLA therefore belong to different parties, जिनकी अलग अलग पार्टीज होती है। द पॉलिटिकल पार्टीज हु MLA won, जिस पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का MLA जीतता है हाफ से ज्यादा वोट से, वो मेजोरिटी होती है और उसी की सरकार बनती है। तो ये जो पार्टी होती है ये रूलिंग पार्टी होती है और बाकी सभी ऑपोजिशन पार्टी होती है। तो ऑल जो इलेक्शंस हैं इनके MLA बिलोंग करते हैं अलग अलग रूलिंग पार्टी से। तो ये सब मिलकर एक लीडर को इलेक्ट करते हैं जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। देन चीफ मिनिस्टर अदर मिनिस्टर को चुनता है। आफ्टर जो इलेक्शन है वो गवर्नर होता है हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, जो कि सभी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है और उनको अलग अलग ड्यूटीज देता है। दे हैव सेपरेट ऑफिस, उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट। समटाइम्स जो वन पार्टी है वो क्लियरली नहीं जीत पाती, देन टू और मोर पार्टीज टुगेदर मिलके गवर्नमेंट बनाती है जिसको कोलिजन कहते हैं। तो अब क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मेजोरिटी पाती है इन द इलेक्शन, इसको कहते हैं रूलिंग पार्टी। सेकेंड, वैन जब टू और मोर पार्टीज टूगेदर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, देन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल कॉलिजन। थर्ड, आफ्टर द इलेक्शन कौन चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करता है MLA बिलोंगिंग टू रूलिंग पार्टी। फोर्थ, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड कौन होता है स्टेट का, गवर्नर। अब आगे मेंशन द वर्क ऑफ गवर्नर, तो देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक ऑन। तो यहाँ पे जो गवर्नर है उसका वर्क होता है दैट इज टू इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट्स इट वर्क अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLA फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग। अब व्हाई इज प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल, तो द प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्प अस टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन वॉट गवर्नमेंट इज डूइंग ईजली, एज इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस द मीडिया हैव अ टॉक इन विच द मीडिया आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द हैपनिंग्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू आंसर द क्वेश्चन। हाउ डज सम MLA बिकम मिनिस्टर, सम MLA बिकम मिनिस्टर वेन देयर पार्टी विंस मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स एंड दस इन अ मेजोरिटी। द पार्टी विच इज इन द मेजोरिटी देन टेक्स अ कैबिन हुज मेंबर्स आर कॉल्ड मिनिस्टर। 10, एक्सप्लेन द वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो अ गवर्नमेंट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन ऑर्डर टू मैनेज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। अपॉइंट्स मिनिस्टर एट वेरियस लेवल्स लाइक कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डेप्टी मिनिस्टर। एवरी गवर्नमेंट डिपार्टेड इज हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर हु इज डायरेक्टली अकाउंटेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। The head of the government department, Hoover Bureau rates, responsible for handling of the government decision. तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट असाइनमेंट के संग, तब तक के लिए